चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एकत्रित होकर जिला अधिकारी रविन्द्र कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, उसी को लेकर जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार मेरा नाम है, मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच बुलंदशहर से। हम यहाँ आज अधिवक्ताओं के हितों के लिए आए हैं अपनी मांग रखने, जिसमें अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट जो लागू दिल्ली और मध्य प्रदेश में हो चुका है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। हम जिलाधिकारी महोदय के नाम उनके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू हो और अधिवक्ताओं को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि दिन पे दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई शीघ्र नहीं हो पाती है, जिसके लिए हम अधिवक्ताओं के हित में आज ज्ञापन देने आए हैं। हम तो मांग है हमारी कि हमारा जो कानून एक्ट है वो शीघ्र से शीघ्र लागू हो।